अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू ग्रैनीज रसोई। चलिए आज हम पॉम्पलेट मछली फ्राई करेंगे इंशाल्लाह। इसके लिए मैं यहाँ पर 4 से 5 किलो मछली ली हूँ। ये इस तरह खाली इसकी मुंडी मैं निकलवा दी और इसको अच्छे से हम साफ करके इसको धो लिए और ऐसे कट लगवा ली मैं दो साइड भी। ये बहुत ही आसान तरीके से हम फ्राई करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर 3 टेबल स्पून लाल मिर्ची ली हूँ और तकरीबन 2.5 टेबल स्पून नमक ली। आप अपने जायके के हिसाब से लीजिए। और 1 टीस्पून हल्दी है और तकरीबन 2 टेबल स्पून ज़ीरा और धनिया, इसको रोस्ट करके पाउडर बना ली। और हम 2 चम्मच अदरक लहसुन डालेंगे। ये 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे और हम तकरीबन 2 नींबू का रस डालेंगे। ये पूरे मसाले इसको हम इस तरह से इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से ओवरनाइट मैरिनेट हुआ हो गया। अब हम इसको फ्राई करेंगे। चलिए हम चूल्हे पे पैन रख दिए और अब मैं इसमें थोड़ा तेल डालूंगी, 4-5 टेबल स्पून। ये थोड़ा तेल गरम हो गया। चलिए अब हम इसमें मछली डालेंगे। इसको हम मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, आप लोग भी जरूर ट्राई करिए। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अरे वाह, ये तो हमारी गुड़िया को भी बड़ा पसंद आ गया। स्मेल यम्मी आ रही ना? हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी ये जरूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये आपसे कैसी बनी। और अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए। मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिए। ग्रैनीज रसोई अब फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी है, आप लोग वहां पर भी मुझे सपोर्ट करिए। और मेरे जो नए व्यूवर्स हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे, आबाद रखे, सेहत के साथ रखे। हजारों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज। हजारों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज।